जब से मक्का आया हूं रिज़्क़ में तंगी है, ये इम्तिहान होते हैं। और खास तौर पे मक्के मुकरमा के लिए उलमा ने लिखा है कि किसी को 3 महीने और किसी को 6 महीने के लिए रगड़ा लगता है, उसके बाद अल्लाह दरवाजे खोल देते हैं कि ये पक्का है या ये फसली बटेरा है। और इस्तिग़फ़ार ज्यादा पढ़ो। मेरी बीवी फौत हो गई है, मेरे जिम्मे कुछ महर बाकी है, उसके वरसा को दे दो, जो उसके वारिस हो उनको दे दो, वारिस न हो खैरात कर दो। कि जंगल में अल्लाह के बंदे मेरी मदद करें, नहीं बस सीधे अल्लाह को पुकारो। कहते हैं जी कि वो बरेलवियों के जो बड़े थे आला हजरत, जब वो आलिम भी थे, क्यों बहक गए? बहकते ही आलिम है, जाहिल क्या बहकेगा? जो आदमी तैरना जानता है वही डूबेगा, जो किनारे खड़ा रहेगा वो कैसे डूबेगा? वो भी बेचारे बहक गए, अंग्रेजों ने खरीद लिया। औरतें तवाफ करते वक्त पर्दा करें, बिल्कुल करें, चेहरा तो सिर्फ एहराम में खुला होता है, उसमें भी हुक्म है कि आगे कपड़ा लटका के रखें। मैं नियत करके जहाज में बैठा, दौरान सफर जहाज वालों ने टिश्यू दिया, खुशबूदार था, यूं खोला वो खुशबू लग गई, 2-4 यार से खैरात कर दें, दम नहीं है। अल्लाह के नबी ने दाढ़ी मुबारक के बालों पर मेहंदी लगाई, जरूरत ही नहीं थी, आपने तो सिर्फ 17 बाल सफेद हुए थे, लेकिन इजाजत है लगाने की, क्योंकि एक हदीस में है, त्रिमजी शरीफ में वो हदीस है, आपने फरमाया कि अपने दाढ़ियों को खिलाफ लगाया कर, बस काला ना हो। नमाज में बार बार हिलना या पांव को हरकत देना नमाज ही नहीं होगी। जुमा की पहली अजान के बाद सुन्नतें पढ़ सकते हैं, वक्त ही नहीं हुआ सुन्नतें कैसे पढ़ोगे? वक्त तो तब होगा ना जब दीवार होगा। तो उसका तरीका ये है कि अब दूसरी अजान जो इमाम के आने के बाद होती है वो 12:00 तकरीबन 20 मिनट पे होती है, आप 12:10 पे सुनते पढ़ने शुरू कर दें, अजान भी खत्म होगी, आपकी सुन्नतें भी खत्म हो जाएंगी और होंगी भी वक्त में। पिछले साल मैंने अपना नफली और बीवी का फर्ज हज अदा किया, अरफात से मगरिब की नमाज अदा करके हम निकले, अरफात से मगरिब की नमाज, मगरिब की नमाज वहां पढ़ी नहीं जाती, आपने कैसे वहां पढ़ी? वो तो गुनाह है, हजूर ने नहीं पढ़ी है, मगरिब इशा दोनों मुद्दलफा में पढ़नी है। बहरहाल आपने गलती की, रश हो या कुछ हो, अरफात के हदूद में मगरिब नहीं पढ़ सकते, वहां से निकल पड़े। अगर अंदेशा हो कि भी हम मुद्दलफा नहीं पहुंच सकेंगे, रास्ते में पढ़ सकते हैं मगरिब भी और इशा भी। उमर कजा नमाज अदा कर, सबसे पहले तौबा करो, उसके बाद नफलों के बजाय कजा की नीयत करके नमाजें पढ़ते रहो।
कुरान पढ़ के अपने रिश्तेदार जो फौत हो गए उनको बख्श सकते हैं? हाँ बख्श सकते हैं। मैंने अपने हाथों से 5 सूरतें कुरान की लिखी हैं, 5 सूरा। मैं आपके हाथ से किसी को तोहफा देना चाहता हूं। सबसे बेहतर बात यह है कि ये गेट नंबर 74 जो है 74 अंदर दाखिल होना, दाएं हाथ पे दफ्तर है, वहां शेख बैठे हैं, उनको जाके हदिया पेश कर। चार भाई 2 बहनों हैं, वालिदैन के मरने के बाद हमारा एक मकान 40 मरले का है। ये अपने इलाके के आलिम से मुफ्ती से मसला पूछे, ये वही फतवा ज्यादा सही दे सकते हैं। नवाफिल तवाब वाजिब के साथ फतन इशराक की नीयत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इशराक सुन्नत है, वो वाजिब है। उमरा और तवाफ का सवाब हम अंबिया के नाम दे दें कर सकते हैं। ये भी ठीक दुआ है कि जिनके मुकद्दर में हिदायत है उनको हिदायत अता फरमा, जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है उनको भी अता। अल्लाह तो कादिर है ना, यमहुल्लाहुमा यशाउ इस्मिल। अगर 3 तवाफ इकट्ठे करके बाद में 2-2 रकात पढ़ लूं बिल्कुल जायज है। किसी औरत ने किसी के बच्चे को दूध पिलाया है, वो अब उसका बेटा है, इसकी औलाद से उसका रिश्ता नहीं हो सकता। अल्लाह जिन लोगों ने हज का इरादा किया है और जराए नहीं है उनके लिए भी आसान फरमा दे। कहते जी कि कुछ मौलवी साहबान जो हैं वो टीवी पे आकर गैर महरम औरतों के साथ बैठ के प्रोग्राम करते हैं, बहरहाल मैं तो उसको जायज नहीं समझता, वो अल्लाह आलम जायज समझते होंगे। किसी गैर महरम औरत के साथ बैठना, मिलना, बात करना हराम है।